सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों हमने निमीजी नेट ऐप का अपडेट निकाल दिया है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। एक सबसे बड़ा जो अपडेट आया है इसके अंदर, आप सभी लोगों ने कहा था कि पेपर फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज में भी होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर हमने 10-12 दिनों में वो सभी पेपर हिंदी में टाइप करके उसके अंदर डाले हैं और उसके साथ साथ आपको उनके आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो अब आप अपने पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा भी हमने बहुत से अच्छे अच्छे फीचर उसमें डाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको दिसंबर 2018 में नेट प्लस जेआरएफ लेना है तो इस ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा क्योंकि ये ऐप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस ऐप में क्या अपडेट आया है और किस तरह से आप पेपर फर्स्ट की और सेकेंड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस निमीजी नेट ऐप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्ले स्टोर से बता देता हूं कि किस तरह से डाउनलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है निमीजी नेट, नेट यहाँ पे लिखना है, निमीजी नेट लिख के आपको सर्च करना है और सबसे पहले नंबर पे बेस्ट एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन ऐप रोहतास निमी ये लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो उसे अपडेट करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर हमें इसे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा ओपन और इसमें देखिए दोस्तों हम किस किस तरह के फीचर है वो हम सभी दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट के बारे में सभी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि सिलेबस, ओल्ड पेपर हिंदी, ओल्ड पेपर इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक, ऑल ईयर आंसर की, ओल्ड पेपर पीडीएफ। दोस्तों अगर आप ओल्ड पेपर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें तो वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेपर हिंदी के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों आपको कुछ समय के लिए करीब 2-4 सेकंड के लिए वेट करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2012 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन पेपर हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि यह है 2018 का पेपर है, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह से ओपन होता है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने हिंदी में ये पेपर आ गया है और साथ के साथ इनके आंसर भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी पेपर पे डाउट है, यानी कि किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि इसमें हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि और भी पेपर है, जैसे कि ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ 2013 का भी है, ये फिर 13 दिसंबर का आ गया, 14 का आ गया, सभी पेपर है यहाँ पे। जैसे हम 15 का ओपन करके देखते हैं, दिसंबर 2015 का, ये देखिए दोस्तों आपके सामने दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर आ गया है, यहाँ से आप हिंदी पे इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे दिया है ओल्ड पेपर इंग्लिश, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी ये पेपर पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी में पढ़ने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ से देखिए जैसे कि हम क्लिक करके देखते हैं, इसमें कोई भी पेपर ओपन कर लो, जैसे कि 2013 का ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ से आप 13 का ओपन करके देख सकते हैं, देखिए ये अब आपका इंग्लिश में आ गया। तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। और भी हमने काफ़ी तरह की चीज़ें दी है, जैसे कि स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि पेपर फर्स्ट में जितने भी अपने टॉपिक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखना, जब भी आप यहाँ पर आओ तो रिफ्रेश ज़रूर करना, जैसे उंगली से ऊपर से खींच के नीचे इस तरह से रिफ्रेश करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई नया नोट्स डालेंगे तो वो यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा। एक चीज देखी होगी हमने पेपर में भी आती है अपने, कैचे, कैचे आता है कि व्हाट इज कैचे, कैचे होता है दोस्तों कि वो पुरानी चीज़ें स्टोर करके रखता है, लेकिन अपडेट करने के लिए हमें इस तरह से खींच के रखना है तो क्लियर कैचे हो जाएगा, नई चीज़ें यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगी। तो हर बार आपको यहाँ पे इस तरह से रिफ्रेश करना है जो भी आप पेज ओपन कर रहे हो, इस तरह से इसमें जो भी टॉपिक ओपन कर रहे हो, ताकि आपको फ्रेश कंटेंट मिल सके। ये देखिए दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी
पेपर फर्स्ट के बारे में। और पेपर फर्स्ट में जैसे कि काफ़ी फीचर यहाँ पे दिखाए गए कि ऑल ईयर आंसर की भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। अब देखिए पेपर सेकंड के अंदर क्या है कि सिलेबस फॉर सेकंड, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। तो यहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, फिर ओल्ड पेपर सेकंड एंड थर्ड, पीछे के जो भी पेपर हुए आपके पेपर सेकंड के वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर बेस्ट बुक भी देख सकते हैं, और फिर आप कट ऑफ देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई थी और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। और दोस्तों लास्ट में आती है हमारी ये पीडीएफ आती है दोस्तों, ये पीडीएफ हमने 2012 से लेकर 2018 तक बना रखी है, और इसमें हमने पेपर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है जैसे रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इन सभी के क्वेश्चन हमने अलग अलग कर रखे हैं। जैसे कि रिसर्च में आज तक 2012 से लेकर 18 तक जो जो क्वेश्चन आए वो हमने अलग कर रखे हैं, और कम्युनिकेशन के अलग कर रखे हैं, टीचिंग के अलग कर रखे हैं। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, जब आप इन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा करने से आप दिसंबर 2018 में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पी डी एफ से हमारे इस पी डी एफ से जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे। उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो देख सकते हैं कि कौन से 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे। तो दोस्तों हमारे लिए ओल्ड पेपर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप हमारी वेबसाइट nimniji.net को विजिट करके वहां से भी फ्री स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों आप इस ऐप को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट साइड में कॉर्नर पर ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ऐप रियल में अच्छी लगी तो प्लीज़ इस ऐप को लाइक कीजिए, और दोस्तों हमें और दोस्तों अगर आपको ये ऐप रियल में अच्छी लगी तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपको आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर सकें। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।